हेलो गाइस, कम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम आउटलाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसमें कलरिंग कैसे करते हैं ऑयल पेस्टल से। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डोम्स की ऑयल पेस्टल, जो मेरे को 50 शेड्स का मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना है कि डार्क एरिया कहाँ कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर डार्क एरिया, ये पूरा डार्क है और यहाँ पे पूरा लाइट है। जिस जिस एरिया में हमको डार्क वैल्यू अचीव करानी है, वहाँ वहाँ पे हम थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें लाइट शेडिंग यूज़ करनी है, वहाँ वहाँ पे हम हल्के हाथ से शेडिंग करेंगे। और डार्क एरिया के लिए मैं डार्क ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ। डार्क एरिया था वहाँ पर हमने कलरिंग कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि थोड़े लाइट एरिया कहाँ पे है। सो वहाँ पे मैं लाइट ब्लू कलर से शेडिंग करूँगा। जहाँ पर बिल्कुल ही लाइट एरिया, वहाँ पर मैं वाइट यूज करूँगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा रह गया था डार्क ना, तो यहाँ पे मैंने दोबारा शेडिंग कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पे मेरा डार्क एरिया है, जैसे रेड में पूरा डार्क है, तो वहाँ पे मैं रेड कलर यूज करूँगा, डार्क रेड। सो हमने रेड कलर से शेडिंग कर दिया है। तो आप रेफरेंस में देखेंगे कि ये पूरा रेड नहीं है, तो इसको रेड करने के लिए मैं इस कलर का यूज कर रहा हूँ। शेडिंग करने के बाद जिस एरिया में हाईलाइट है, वहां पे मैं व्हाइट कलर का यूज करूंगा। तो ब्लेंड करने के लिए मैं कॉटन पैड का यूज कर रहा हूँ, इससे बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। और मैं एक एक एरिया को पकड़ के ब्लेंडिंग करूंगा। को ब्लेंड करने के लिए अलग ब्लेंडर का यूज करना है, अलग मतलब कॉटन बर्ड का यूज करना है, क्योंकि वो कलर फिर मिक्स हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ब्लेंड पूरा हो गया है, तो मैं आईज में शेडिंग करने के लिए मैं डार्क येलो कलर का यूज करूंगा। नेक्स्ट जहां पे भी हमें लग रहा है कि ज्यादा हाइलाइटेड एरिया, वहाँ पे मैं दोबारा वाइट कलर का यूज करूँगा। अब जहाँ पे भी फुली डार्क एरिया है, वहाँ पे मैं सिंपल ब्लैक से शेडिंग कर दूंगा। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है, वहाँ पे प्रेशर का अप्लाई करके मैं शेडिंग करूँगा। और जहाँ पे थोड़ा कम है लाइट एरिया है, वहाँ पे मैं थोड़ा कम प्रेशर का अप्लाई करूँगा पेस्टल के ऊपर। आगे मैं डिटेलिंग के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्लैक कलर ब्लैक पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये हम डिटेलिंग देंगे। जहाँ भी वाइट हाईलाइट है, वहाँ पे मैं वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगा।
आप चाहें तो आप जेली रोल पेन, वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट हाईलाइट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।